वो देखो इतनी सारी लाइन से शिप्स हैं कि बोट्स हैं जो भी हैं, इतनी सारी लाइन से यार। ये देखो एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है यहाँ पे, कि यहाँ पे राम मंदिर भी है और यहाँ पे मस्जिद भी है। ऑल दो आई डोंट स्पीक ऑन एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, पॉलिटिकल और रिलीजियस, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे देख के। बहुत सारे मंदिर मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे मंदिर है और बहुत सारे मस्जिद भी है। सो आई थिंक दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आर कंट्री। यू नो एज अ किड आई वॉज ऑलवेज पैशनेट अबाउट क्रिकेट, बट बचपन में ना हमारे यहाँ केबल नहीं था और हम लखनऊ में रहते थे। हमारे मतलब जहाँ पे भी केबल था ना, मतलब हमारे घर के सामने वालों के यहाँ केबल था। तो 2003 2004 वाला जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला टूर है वो बहुत ही मतलब 90s किड के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा वो, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह उठ के आंटी के यहाँ पहुँच जाते थे और बोलते थे आंटी स्कोर क्या हुआ, हम लोग को देखना है, हम लोग को मैच देखना है। तो आंटी बहुत अच्छी थी, हम लोग को अंदर बुलाती थी और हम दो तीन लोग बच्चे थे, हम लोग उनके यहाँ जाके स्कोर देखते थे। दिस रिमाइंडेड मी ऑफ सम गुड मेमोरीज ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। बचपन में उठ के हम लोग उनके यहाँ जाके देखते थे। अनदर थिंग इज, आज मैं अपने लाइफ का सबसे बड़ा ट्रिप मारने जा रहा हूँ, एक ही दिन में कवर करूँगा। इट्स गोइंग टू बी अराउंड 400+ किलोमीटर्स अराउंड ट्रिप है। अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले पैसे निकालने, जो कि मेरे पास एक कौड़ी नहीं है अभी। गाइज वेन एवर यू आर टेकिंग आउट कैश तो देख लेना यहाँ पे कुछ वो तो नहीं है, अगर है भी तो यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए आपके। ये यहाँ पे सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं सब? तो आज मुझे पेट्रोल भराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे बाइकर्स खड़े हुए हैं। संडे है, सबको राइड करनी है, इसलिए हम भी राइड पे निकले हैं। सामने का नज़ारा आप देख सकते हो, पहाड़ों से भरा हुआ है, वादियों से भरा हुआ है, ये मेरे घर के जस्ट पास में है। तो आज मैं जा रहा हूँ हारने बीच, और ये मैंने माइक जो है वो दूसरा लगाया हुआ है। ये माइक मुझे आइडियल राइडर ने सजेस्ट किया था, 300 350 रुपये में मिल गया था, लोकल है। टेस्ट किया मैंने घर पे, चला के चल गया, तो आज मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। होपफुली इसमें आवाज़ अच्छे से आनी चाहिए। अभी मैंने मास्क लगाया हुआ है तो पता नहीं कैसे आ रही होगी, बट एनीवेज आज मैं जा रहा हूँ हारने बीच। और हारने बीच जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है 223 किलोमीटर्स, एक रास्ता है 200 किलोमीटर्स। सो ऑब्वियसली आई टुक द शॉर्टर वन। जो 223 किलोमीटर्स वाला रास्ता है वो आपको तामिनी घाट से होते हुए लेके जाएगा, बट तामिनी घाट से मैं लास्ट ईयर ऑलरेडी जा चुका था जब मैंने सोलो ट्रिप करी थी दिव्यगढ़ की। तो मैं वो रूट वापस से कवर नहीं करना चाहता था, ना मैं उस रूट पे वापस ट्रैवल करना चाहता था। तो मैंने सोचा यार ये भोर घाट वाला रूट लेते हैं, बट व्हाट माय फादर सेड कि भोर घाट वाला रूट थोड़ा और डेंजरस है, वहाँ पे एक बस का एक्सीडेंट भी हुआ था। तो अभी यही है कि बस के तो बहुत सारे जगह एक्सीडेंट हुए हैं, तो अभी उस चीज़ से डर नहीं सकते, लेकिन व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। टनल, तो दिस रोड विल बी कनेक्टिंग टू मुंबई बैंगलोर हाईवे। और यस, अभी बैंगलोर हाईवे पे कनेक्ट होते हैं। तो भाई मैंने मैप लगा लिया है, यहाँ से अभी भी 180 किलोमीटर्स दिखा रहा है। और ये जो आप देख रहे हो अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ, ये है रोहतांग पास का परमिट जो कि मैंने अभी तक फेंका ही नहीं है, और पता नहीं मैं फेंकूँगा कि मैं नहीं फेंकूँगा। तो टेक्निकली आई कैन स्टिल गो टू रोहतांग पास। नहीं यार, मैं नहीं जा सकता हूँ, और मैं इसको यहाँ पर छुपा दूँगा। बढ़िया हो गया ना काम, 180 किलोमीटर्स, 4 hours 51 minutes, मतलब 5 घंटा यहाँ से। अभी देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, बज रहे हैं 7:30, 7:30, 5 घंटा मान लो 12:30। पहला टोल दिन का, देखो एक अजूबा दिखाते हैं, आगे वाले ने हेलमेट नहीं पहना है, पीछे वाले को पकड़ा दिया है। वाह,
और ये आगे वाला हेलमेट तब पहनता है जब टोल पे पुलिस वाले खड़े होते हैं। आई टुक अ स्मॉल ब्रेक ओवर हियर, ये गुड़ाचा चाह, गुड़ वाली चाय, शिव मुद्रा चाह यार, बड़ा टेम्पटिंग लगा मेरे को। और भाई साहब क्या चाय थी, मज़ेदार एकदम। तो नहीं, 5-10 मिनट का एक ब्रेक था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, दैट्स इट। अब यहाँ से निकल रहे हैं, 164 किलोमीटर्स और दिखा रहा है। यहाँ से राइट लेना है, अब इसी रोड को फॉलो करते करते आगे जाने का है। भोर, यस भोर, 14 किलोमीटर, महाड़, ओके यही वाला रूट है। I think this is a point. Oh, सबके सब फोटुआ खिंचा रहे हैं। अगर आते वक्त आया इस रूट से तो खिंचवा लूँगा फोटो, और क्या। लेकिन अभी यार डेस्टिनेशन पर पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। वाओ, ओहो, वो डैम है, डैम जैसे देख लो। ओहे बड़ा थोड़ा थोड़ा पानी ही छोड़ा है इन्होंने, बड़ा सही सा लग रहा है यार। भोर नगर परिषद शहर स्वागत करीता है। तो सिटी से निकल निकल के, ओ ये देखो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति घोड़े पे सवार। यहाँ से मेरे को राइट लेने का है, मेरे को। सो मैनी ऑफ यू मस्ट हैव थॉट कि यार बाइक वाले व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, और मतलब मैं वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग वीडियोग्राफी कब से करने लग गया। तो यार पहली बात तो ये है कि बाइक के व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि बाइक का जो मेरा पीछे वाला रियर टायर जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा वॉबल करता है था मतलब, और बहुत मतलब ज़रा सा भी मैंने मतलब बाइक को मैंने मार्च 18 में ख़रीदा है तो ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गए थे, और पीछे वाला टायर घस चुका था, इतना घस चुका था कि क्या बताऊँ कितना घस चुका था। तो मतलब ज़रा सा भी मैं रियर डिस्क ब्रेक लगाता था तो ऐसे ऐसे हिलता था। और बहुत बार हुआ है, नासिक वाली जो लास्ट राइड थी मेरी, उसमें भी मैंने बहुत संभाल के गाड़ी चलाई है, मतलब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने गाड़ी चलाई थी। तो इसके वजह से यार मैं ये 2 महीने में राइड नहीं कर रहा था, 2-3 महीने। हालांकि मेरे को जो टायर पड़ा है पीछे का वो 2900 का पड़ा है। अब आप बोलोगे यार बहुत महंगा ख़रीद लिया यार तुमने, ओहो क्या सही नहीं लग रहा यार। तो हाँ यार महंगा तो हुआ मेरे को थोड़ा, बट ज़रूरी भी था, वरना मैं कोई राइड ही नहीं कर पा रहा था। मेरा बहुत मन कर रहा था यार राइड करने का। तो मैंने MRF का नाइलो ग्रिप ज़ैपर सीरीज़ का टायर लगाया, 2900 का पड़ा, विच इज़ गुड। मतलब कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, बट ठीक है यार, मेरी एक टेंशन तो गई यार। मतलब मैं कभी भी राइड करने जाता था तो मेरी एक टेंशन रहती थी कि यार कहीं गिर गिर ना जाऊँ मैं। Such a secluded place, man. Such a secluded place. रूट पूरा घाट वाला रूट है तो मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया इसको। थोड़ी देर में मैं पता नहीं 120 किलोमीटर अभी और बाकी हैं, तो मतलब अभी तक मैंने 80 किलोमीटर ही चलाया है, 9:30 हो रहा है, 2.5 घंटे में 80 किलोमीटर। भाई साहब आई एम वेरी बिहाइंड, बहुत ही पीछे चल रहा हूँ मैं शेड्यूल के। शिट मैन, ये मुड़ते मुड़ते घुस गई होगी। ओ यार यही है वो नदी जो तब से साथ में चल रही है। ओ भाई 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 भाई, नीचे कुछ लोग हैं फोटो वोटो खिंचा रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ खिंचाएंगे फोटो। गाइस आई एम एट दिस वंडरफुल लोकेशन, यार बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, और पता नहीं कौन सी है, बहुत ही सिक्लूडेड एरिया में है, लेकिन भाई साहब अल्टीमेट। ये जो रिवर है, पता नहीं कौन सी रिवर है, नाम मुझे नहीं पता, अभी गूगल कर लूँगा, लेकिन ये तब से हमारे साथ चल रही है तब से। और क्या रास्ता है यार, इस रास्ते को सिर्फ मैं तब से इंजॉय ही कर रहा था।
टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस. जहाँ जाओ वहाँ नज़ारे हैं, जहाँ देखो यार वहाँ तुमको फोटो वोटो खिंचाने का मन कर जाएगा. कितना ऊपर आ गया हूँ यार मैं चलाते चलाते, उसको दिखाता हूँ. वो देखो ऑन टॉप. ओ भाई साहब, निकलो यहाँ से, निकलो 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 निकलो. ओ निकल गया. दिस इज सो ह्यूमंगस मैन. ओ भाई ये कहाँ आ गया मैं. खाई है नीचे, खाई खाई है नीचे, खाई. और मैं नहीं रुक रहा है यहाँ भाई. वाह वाह क्या रूट है बे, ये तो डेंजरस है बे, कतई डेंजरस है ये तो. देर आर कैक्टस, कैक्टस है वो पहाड़ों के ऊपर देखो ये, मतलब साइड साइड में. ओ भाई साहब. उस रोड पे आने के लिए पूरा घूम के जाना पड़ेगा यार. अपने को एक शॉर्टकट मिल गया था तो मैंने वही मार लिया. तो मैं अभी यहाँ से लेफ्ट मुड़ गया हूँ दापोली की साइड. चकासा सब कुछ चल रहा था, ये बैड पैचेस आ गए. मस्त रोड पे मैंने बाइक चलाई है अभी कुछ आधा पौन घंटा. अयो एक बंदे को मैंने अभी लिफ्ट दे दी. उसको मैंने पूछा कि उधर मछली मिलेगी क्या, मतलब फिश खाने को मिलेगी क्या. तो कहते हैं मच्छी क्या पूरा इंसान मिलेगा, आज संडे है खाओ जितना खाना है खाओ. एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने मैप ऑन रखा हुआ था और यहाँ पर रख दिया मोबाइल. और इतना गर्म हो गया, गर्म होते होते हीट इतना हो गया था उसकी पूरी बैटरी ड्रेन हो गई. अभी 19% बची है, मैंने उसको अंदर रख दिया है. अब मैं लोकल गूगल सिस्टम मतलब लोगों से पूछ के जाऊंगा. हारने बीच 5वीं बार GoPro हैंग होते हुए और इसकी भी बैटरी लो है, 20% है. और यहाँ से अभी करीबन 35 किलोमीटर्स और है, विच इज़ 1 आवर अवे. तो यहाँ से राइट लेने का है और बस 15-20 मिनट में आ जाएंगे हम अपनी डेस्टिनेशन. चलो 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 चलो. क्या होटल है यार. ओके एंट्री है. फर्स्ट क्लिम्स. हाँ कुछ तो दिखा यार. आई जस्ट सॉ सो मैनी शिप्स भाई साहब. ऐसे सब एक साथ लाइन में खड़ी हूँ अभी, ऐसे दिखेगा नहीं यार. वो देखो इतनी सारी लाइन से शिप्स, शिप्स हैं कि बोट्स हैं जो भी हैं, इतनी सारी लाइन से यार ये देखो. सो दिस इज़ हरने फोर्ट. सो इफ़ यू सी दैट फोर्ट, दैट इज़ स्वर्ण दुर्ग फोर्ट. वो पानी के बीच में. So finally I have made it. It is 1:40 PM और मैं 1 बजे पहुंच गया था, पर इधर उधर भटक रहा था और देख रहा था कोई व्यू पॉइंट अच्छा मिल जाए. तो ये मुझे व्यू पॉइंट अच्छा लगा. एक उधर भी एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे. तो मैं यार फालतू में उनमें घुलना मिलना नहीं चाह रहा हूँ. और मैं पूरी शक्ल की आप हालत देख सकते हो ना, यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो गई. बहुत ही लंबा सफ़र था यार, बहुत ही लंबा सफ़र, बट इट इज़ वर्थ इट. द फोर्ट दैट यू सी इन द मिडल ऑफ द सी इज स्वर्ण दुर्ग फोर्ट. द फोर्ट दैट यू सी एट द साइड ऑफ द बीच इज हरने फोर्ट एंड दिस बीच इज कॉल्ड हरने बीच. मेसमराइजिंग व्यू तो है ही, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है. बट यार थोड़ा अगर मैं सुबह आया होता ना तो मुझे और अच्छा वाइब मिलता, और अच्छा यू नो और अच्छा फीलिंग आती. और अच्छा वेदर जब होता ना तो मतलब चीज़ें और अच्छे से दिखने लगती है. अभी इतना सनी है कि कुछ सही से दिख नहीं रहा है. आगे जो है वो एकदम इन्फिनिटी लूप कह रहा हूँ. इन्फिनिटी कहते हैं ना वो
इन्फिनिटी है, मतलब अरेबियन सी है, देयर इज नथिंग यू दैट इज विजिबल राइट नाउ फ्रॉम हियर. और अभी थोड़ा सा चिल करूँगा मैं यहाँ पे, एंड देन मैं नीचे जाऊँगा बीच पे, अगर मन हुआ तो जाऊँगा. मैं बीच के लिए नहीं आया था मेनली, मैं इस व्यू के लिए आया था मेनली. और बीच पे अगर मैं गया तो दिखा दूँगा थोड़ा बहुत. और उसके बाद मैं फ़िश खाना चाहता हूँ यहाँ का, सुरमई फ़िश, क्योंकि पिछली बार जब मैं गया था हरी हरेश्वर से वापस लास्ट ईयर, तो मैंने सुरमई फ़िश खाई थी. बहुत 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 लाजवाब होती है यार, मज़ा आ जाता है. फ़ोन की भी बैटरी इतनी नहीं है, 10% बची है, तो देखते हैं क्या होता है अब, क्योंकि वापस तो आज ही जाना है. द चैलेंजिंग पार्ट वॉज नॉट कमिंग हियर, बट द चैलेंजिंग पार्ट इज़ गोइंग बैक फ्रॉम हियर, क्योंकि आज ही मुझे पहुँचना है और कल मेरा ऑफिस है, तो मैं रुक तो सकता नहीं हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई एम ऑन अ बजट. तो यही है, सो है. तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे एक पापलेट थाली खाने, और श्री ओम साई राम पे मैं बैठा हूँ. 300 rupees की थाली है, पापलेट थाली. पापलेट इज़ द टाइप ऑफ फिश विच इज़ फेमस इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कोस्टल एरिया. और यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि कोई चार्जर मिल जाए टाइप सी का, बट नहीं है उनके पास, टाइप बी वाला है. इफ़ यू हैव लाइक दिस ब्लॉग देन डू प्रेस दैट लाइक बटन. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, एंड ऑल्सो प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन, सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड यू गेट ऑल द वीडियोज दैट आई पोस्ट एंड यू सी ऑल ऑफ देम. सो इसी के साथ ऐसे ही खुश रहो, मज़े करो, ऐश करो और घूमते रहो. दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साठे. बाय, टाटा, टेक केयर. इसी जगह को लेके मेरी फटी हुई थी और मैं जल्दी जल्दी भगा रहा था गाड़ी. 5 बज रहा है, मुझे बस चाहिए था कि मैं डे लाइट में ये चीज़ क्रॉस कर दूँ. और यहाँ बंदर बहुत हैं, तो मैं बस ये इतना सा रिकॉर्ड कर रख रहा हूँ. दैट्स इट.